क्लास सिक्स इंग्लिश ग्रामर लेसन थ्री शब्दों को लिखने की जानकारी, जैसे आ ई ऊ ए ओ अंग, इनसे जो नाम है शब्द हैं उनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। जैसे राम, राम रा को कैसे लिखते हैं, आर से, और ये आ का डंडा है छोटे आ का, तो स्कूल बनेंगे ए बनाएंगे, और माँ को कैसे लिखते हैं, एम से, तो क्या हुआ आर ए एम, राम। इसी तरह गरिमा, ग जी ए आर आई एम ए, गरिमा, ठीक है। और सुमन एस यू एम ए एन, सेन एस ई एन, गोपाल जी ओ पी ए एल, अंगद ए एन जी ए डी, अंगद। तो इस तरह से हिंदी में नाम को इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे। तो जितनी भी चीज़ है मात्राओं को मिला के सबके हमको इंग्लिश लिख लेनी। जैसे राम का ही सर सिंपल था, हो गया। गरिमा, गा का है जी, ठीक है। अभी यहाँ पे आया है ए, ए क्यों आया है, जब दो अक्षर होते हैं ना, ठीक है, दो अक्षर के बीच अपने आप से आ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे गा और रा, गर, गर हुआ, अब गरिमा, ठीक है। तो सीधे इसको गरिमा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ का साउंड अपने आप से साइलेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे ए मान लेते हैं, आ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ लगा दिया, ठीक है, इसलिए लगाया क्योंकि पहले अक्षर के में कोई मात्रा नहीं है, मात्रा दूसरे वाले में है। अगर पहले में कोई मात्रा होती है तो हम नहीं लगाते, अब कोई मात्रा नहीं है तो हमने ए लगा दिया यहाँ पे सिंपल, ठीक है। गरिमा, अब जैसे दूसरा सुमन, सुमन में तो मात्रा है तो हमें सा के बाद ए लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सा के बाद तो यू आएगा ही आएगा, ऊ की ऊ के छोटा ऊ है, ऊ के लिए यू लगाते, ठीक है। माँ, तो माँ हो गया, अब माँ और नाइन के बीच में कोई मात्रा नहीं है, दो शब्द हैं, तो इसलिए यहाँ पे ए लगा दिए। इसी तरह सेन, सा पे एस हो गया और एक मात्रा है यहाँ पे ई और एन, तो यहाँ पे ए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे मात्रा है। गोपाल जी ओ पी, अब यहाँ पे ए तो अपने आप आया क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मात्रा लगी है। पाल, अंगद, अंगद अंग को लिखते ए एन, ठीक है। जी, गा के लिए जी और बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिया और डी अंगद, इस तरह से हो गया। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन मिलाकर शब्दों को लिखने और पढ़ने का अभ्यास किया जा सकता है। एक्सरसाइज नंबर टू, अंग्रेजी में लिखिए रामपुर, रमन, मीरा, नवीन। तो कैसे लिखेंगे, रामपुर पर लिखते हैं R A M P U R, रामपुर, R रा के लिए R और मात्रा है आ की A, और माँ के लिए M, पा के लिए P और मात्रा यहाँ पे लगी तो U R, रामपुर। फिर होगा रमन, कोई मात्रा नहीं है बीच में तो यहाँ पे दो बार A आया है, रमन। फिर है मीरा, एम डबल ई आर ए, और फिर है नवीन, नवीन यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, एन ए वी डबल ई एन, ठीक है। ये देखिए हो गए रामपुर, रमन, मीरा और नवीन। नेक्स्ट है देखकर पढ़िए, क्या लिखा है, कानपुर, मदन, सरन, विकास। अपने गांव और स्कूल का नाम लिखिए, जो भी आपका गांव है जो भी स्कूल है वो। वॉवेल्स में कितने अक्षर आते हैं, पांच आते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं। आगे है लेसन नंबर फोर, नंबर्स एंड फिगर्स, गिनतियाँ और संख्याएँ। ओ एन यू, वन टू थ्री फोर, स्पेलिंग्स ये आपको याद करनी है, खुद से देखते जाइए और स्पेलिंग याद करते जाइए। नहीं आप ऐसे वीडियो से देख पा रहे तो कॉपी पेन उठाइए और उस पर लिखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 21, 22, 23, 24, 25, 26, कहाँ गया 22, 23, 24 की जगह यहाँ पे 26 लिखा है, ये देखो ये गलती होगी 24, और यहाँ पे 25 गायब है, 24 हो गया। तो देखो किताबों में इस तरह से गलतियाँ होती तो ये गलतियाँ आप लोगों को ही सही करनी पड़ेंगी। 24, ठीक है, आप 20 के आगे 5 लगा देंगे तो 25 बन जाएगा, ठीक है।
आप 26 भी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा था, और 20 के आगे 6 लगा देंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। 6 SIXFIVE, 24 और 25 और 26। अब है 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81 यहाँ की जगह यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, तो 81 के लिए यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है, और 82 के लिए 80 तो यही रहेगा और 82 लगाएंगे, ये हो गया 81, ये होगा 82, और यहाँ पे पूरा 83 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 83 लिख दे रहे हैं। 83, 84, 85, 86, ये आपको दिखा यहाँ पे 81, 80 और 1, 81, 80 और 2, 82 और 83, ठीक है। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। अब इसके आगे 100 के आगे जैसे 100, 200, 300, 400 को क्या बोलेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, ये है 1000। 900 हो गए, 900 के बाद एक और जीरो ऐड हो जाता है तो वो 1000 होता है, उसको बोलते हैं 1000, ठीक है। 100 को बोलते हैं 100 और 1000 को बोलते हैं 1000। अब ये देखिए क्या लिखा है, 1 लाख। 1 लाख को शब्द में 100,000 या 1 लाख या 1 लाख लिखते हैं। 100,000 भी बोल सकते हैं, 100 कितने होते हैं, 100 होते हैं ना, 100 और ये 1000, 100,000 हो गए, या सीधे 1 लाख LAC और या 1 लाख, ठीक है, LAKH इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार 10 लाख को 1 मिलियन लिखते हैं, 1 मिलियन कितने होते हैं, 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन होते हैं। तो नॉर्मल हमने इंग्लिश की गिनतियाँ पढ़ ली, अब हम रोमन अंकों में क्रमसूचक गिनतियाँ पढ़ेंगे। रोमन में कैसे लिखते हैं, आपने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इस तरह से क्लासों के नाम होते हैं, उसी तरह से ये सेवन्थ हो गई, उसी तरह एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20th, और किसका 20th की बात है, 30th, और ये 40th, ये 50th, ये 60th, ये 70th, इधर देखिए फिर से देखिए, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100th, 200th, 300th और 400th और 600th, 800th, 900th और M मतलब 1000th, इस तरह से हो गया।